नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर, बेसिकली आप नॉर्मलाइजेशन समझते हैं, जब हम कोई भी एग्जामिनेशन, जैसे मान लीजिए आपके जो अभी नए एग्जामिनेशन आने वाले हैं, उसमें एक दिन में एग्जामिनेशन हो रहा है कि बहुत दिन में हो रहा है? बहुत दिन में हो रहा है। तो जेई मेन प्रोसीजर जो बहुत दिन में डाला गया है, वो जैसे हम सब लोगों को पता है कि 6 तारीख से 20 तारीख के बीच में एग्जामिनेशन की डेट्स आई हैं, उसमें भी दो शिफ्टों में आप लोगों के एग्जामिनेशन होंगे, 1 और 2। किसी को कुछ भी अलॉट हो सकता है। मान लीजिए इस क्लास में अभी हमारे पास 100 बच्चे हैं, तो मान लीजिए 100 बच्चों ने फॉर्म भरा है, 100 बच्चों को लगभग लगभग इक्वली, जैसे मान लीजिए 6 से लेकर 20 दिन में कितने दिन हुए, मान लीजिए उन्होंने 12 दिन एग्जामिनेशन कंडक्ट करा, कितने दिन, 12 दिन उन्होंने एग्जामिनेशन कंडक्ट करा, 12 × 2 कितना हो गया, 24। तो 24 स्लॉट में उन्होंने आपसे एग्जामिनेशन लिया, उन्होंने जब 24 स्लॉट में आपने लिया, तो इन 100 बच्चों को लगभग लगभग उन्होंने बराबर नंबर में डाल दिया। और ये इस बात का ध्यान रखा गया कि रेंडमली पिक करे गए बच्चे हैं, प्रांत वाइज, जगह वाइज, ताकि इस बात की सिमिलरिटी या सिंगुलरिटी हम रख सकें कि हर एक स्लॉट में सभी तबके का और सभी वैरायटी का बच्चा उपलब्ध हो। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? Yes, sir. है? तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है। तो मान लीजिए 100 बच्चे थे, तो 100 में से 24 अगर स्लॉट आए, तो हर स्लॉट में लगभग कितना बच्चा आया, 4। कितना आया? 4। इस 100 को जैसे ही आप सोच के देखिए, 100 को आप 1000 करोगे तो 4 कितना हो जाएगा, 40। जैसे ही आप इस 100 को 1000 करोगे तो कितना हो जाएगा, 40। 1000 को 1 लाख करिए, 400। 1 लाख को 10 लाख करिए, 4000। बोलो क्लियर है क्या एकदम? इस तरीके से कहानी अपनी चलती जाएगी। तो एक स्लॉट में मान लीजिए 4000-5000 जितने भी बच्चे अपने बैठे, उन्होंने एग्जामिनेशन दिया और अलग अलग तरीके से चीजें चलती रही। अब एग्जामिनेशन में जब 4-5000 बच्चे बैठ गए, दिक्कत यह है कि हो सकता है सबके लिए पेपर सेम आएगा कि अलग अलग, सबके लिए हर शख्स के लिए पेपर अलग अलग है। जाहिर सी बात है, पेपर एक सिमिलर बनाने का तरीका यह है कि मान लीजिए फिजिक्स में, फिजिक्स में 15वां सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आया था डायलेक्ट्रिक्स से, तो हर सभी स्लॉट में सभी सवाल डायलेक्ट्रिक्स के आए और लगभग लगभग उसी स्तर के आए, पर ऐसा करना संभव नहीं। और ऐसे करने से ये दिक्कत भी है कि जब पहली बार पेपर आया, तो पहली बार के बच्चों ने जब पेपर देख लिया, तो जो बाद वाला दे रहा है उसे पता पड़ेगा कि कौन सी वैरायटी के सवाल आने वाले हैं। तो ऐसा प्रेडिक्शन जाहिर सी बात है जेई मेन आपको अलाउ नहीं करेगी। तो उन्होंने ये बोला कि हो सकता है कोई पेपर टफ हो, कोई पेपर आसान, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी को टफ मिले और किसी को आसान मिले। पर मान लीजिए किसी बच्चे ने पहले दिन की दूसरी शिफ्ट में टेस्ट दिया और उसके नंबर आए 280, कितने आए, 280। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आवाज मेरी है सुन लो, जिस जगह आपको लगे बात कम समझ आ रही है, प्रोसीजर को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस एग्जामिनेशन को हम दे रहे हैं, उस एग्जामिनेशन को पूर्ण रूप से जानने का अधिकार हमें होना चाहिए और हमारी क्षमता भी इतनी होनी चाहिए कि हम उसे समझ। और मैं तो आपको इसलिए भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि ये मैथ्स की एक अच्छी प्रॉब्लम है, जो समझ में आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि इसके लिए दिमाग चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो मैं आपको इस जगह पे था कि कैसे उन्होंने इक्वलाइजेशन की बात करी है। उन्होंने बोला कोई भी पेपर टफ हो सकता है, कोई भी पेपर आसान हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो मान लीजिए किसी बच्चे के 280 नंबर आए किसी एक पेपर में और दूसरे के आए 260, पर जो पेपर 260 वाला था वो पहले वाले पेपर से बहुत टफ था, तो कौन आगे हुआ, 260 की 280? पर इसका मापदंड क्या है? इसके मापदंड को इक्वलाइज करने के लिए प्रोसीजर लाया गया है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर? नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर। नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर क्या है, अब अपन बात को समझते हैं। क्या हम ऐसे 260-280 वाले को बराबरी पे नहीं मान सकते? हमें क्या पता है बराबर है या नहीं है? नहीं है। पर हो सकता है कि 260 वाला बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट हो बनिस्पत 280 वाले, ऐसा हो सकता है। तो हम कैसे उनको एक मापदंड पे लाएंगे? तो पहली बार सभी बच्चों को 360 के स्केल की बजाय ला दिया गया है परसेंटाइल स्कोर की टर्म्स में, किसी एक बेसिक परसेंटेज से लेकर 100 तक। कहां के मापदंड पे? 100 तक। कहां तक? 100। मान लीजिए डे 1 के शिफ्ट 1-2 के बच्चे का जो हाईएस्ट स्कोर आया, मान लेते हैं कि मोटा मोटी फिगर पकड़ लेते हैं कि 10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने दिया, सपोज 10,000 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया, 10,000 बच्चों ने जब एग्जामिनेशन दिया तो हमें लगा ठीक भाई अच्छी बात है, 10,000 बच्चों ने जब एग्जामिनेशन दिया तो 10,000 में से मान लीजिए हाईएस्ट स्कोर आया 331, कितना आया, 331 आया, बहुत बढ़िया साहब। तो पहली शिफ्ट मान लीजिए किसी एक का स्कोर है 331, जबकि किसी दूसरी शिफ्ट का हाईएस्ट स्कोर है, क्या ये हाईएस्ट स्कोर, पहली शिफ्ट का 331, मान लीजिए दूसरी शिफ्ट का स्कोर है 321 या 322, जो आपको अच्छा लगे।
अब वास्तविकता में इन 10,000 बच्चों का ये टॉपर बच्चा है और इन 10,000 का ये वास्तविकता में क्या दोनों टॉपर में से कौन टॉपर है? ये किए इन्होंने दोनों को बराबर माना, इन्होंने दोनों को इसकी परसेंटाइल 100 मानी है और इसकी परसेंटाइल भी पहले स्लॉट की पहली शिफ्ट का जो टॉप बच्चा है वो भी टॉपर, जो दूसरी शिफ्ट का टॉपर बच्चा है वो भी टॉपर। तो इनकी परसेंटाइल, अच्छा पहली बात, हो सकता है आप परसेंटाइल ना समझते हो, मैं आपको परसेंटाइल समझा दूं बहुत सीधे शब्दों में, हो सकता है मैक्सिमम बच्चे जानते हो, सकता है नहीं जानते हो, बोर्ड के नॉर्मलाइजेशन के पहले भी जेईई ऐसा प्रोसीजर कर चुकी है। खैर, परसेंटाइल का मतलब है कि मान लीजिए 100 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया, कितना 100 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया और मेरा स्कोर, मैं एक बच्चा हूं जिसने एग्जामिनेशन दिया उन 100 में से, अगर मेरे से 100 मेरे स्कोर से या मेरे से नीचे वाले बच्चे मान लीजिए 61 हैं, कितने हैं 61, तो मेरी परसेंटाइल हुई 61। नहीं समझ आया? नहीं आया? मान लीजिए 10,000 बच्चे हैं, कितने 10,000 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया, जैसे अपन इसी का एग्जांपल लेते हैं, 10,000 बच्चों ने लिया और मान लीजिए कि आपका स्कोर आया 360 में से 120, कितना आया 120 या 120 से नीचे नंबर वाले बच्चे हैं 10,000 में से, सपोज करो 8,532, कितने 8,532। तो योर परसेंटाइल स्कोर विल बी 8,532 by 10,000, correct, into 100, this is your percentile score। तो जो एक अच्छा बच्चा होगा उसका percentile score खराब होगा कि मतलब 100 के पास होगा कि 100 से कम होगा? मतलब जितना ज्यादा percentile score होगा उतने नंबर अच्छे हुए कि बुरे हुए? जैसे बोर्ड में होता था, जितनी ज्यादा percentage, जैसे रैंक में जितनी कम उतनी बढ़िया, आवाज नहीं आई? रैंक में जितनी कम उतनी, पर परसेंटाइल में जितना ज्यादा, नहीं आया? तो भाई परसेंटाइल स्कोर ये है 8532 by 10,000 into 100, क्या बात एकदम क्लियर? दिस इज व्हाट परसेंटाइल। क्योंकि संख्या जेईई मेन देने वालों की बहुत ज्यादा होगी इसलिए इस कैलकुलेशन को 7 डिजिट्स तक रखा जाएगा आफ्टर डेसिमल, 7 डिजिट्स आफ्टर। क्योंकि आप एक सिंपल सी बात सोचिए, सिंपल लॉजिकल बात करिए कि अगर किसी एग्जामिनेशन को 10 से 12 लाख बच्चे दे रहे हैं और सिर्फ नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है 0 से लेकर 360, 10 लाख को 360 नंबर से भी डिवाइड करोगे तो भी क्या एक एक नंबर पे बहुत बच्चे आएंगे? एक एक नंबर पे तो कैलकुलेशन कोई एक दो डिजिट तक होना पॉसिबल नहीं है, 7 डिजिट तक ले जाई जाएगी। कितने डिजिट तक? 7 डिजिट्स। मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसे डिजिट दिखे आपको, 9 आपकी परसेंटाइल ऐसा ऐसी लिखी हुई है, ये आपको हो सकता है 98.217645 7 डिजिट तक, नहीं आया? सो इतनी एक्यूरेसी तक वो एग्जामिनेशन को ले जाएगा ताकि आपकी रैंकिंग अच्छे से, बात समझ आ रही है? ऊपर से जा रही है, पक्की बात? yes, एकदम बढ़िया। yes, मैं अच्छी प्रॉब्लम की तरह समझा रहा हूँ, हालांकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं पर हो सकता है मैं थोड़ी सी ढंग से हंसे क्यों तुम लोग। खैर, क्या बात एकदम क्लियर? yes, तो हमने बोला ये वाला बच्चा 331, ये वाला बच्चा 332। अब 322 इसको भी इन्होंने 100 परसेंटाइल माना और इसको भी इन्होंने दोनों को मान लिया, ये बात इन्होंने तय कर ली। सर ये तो हाईएस्ट परसेंटाइल है, लोएस्ट परसेंटाइल क्या होगी? लोएस्ट परसेंटाइल उस बच्चे से निकाली जाएगी जिसके सबसे कम नंबर है। मान लीजिए इस खेप में, खेप मतलब समझते हो, इस स्लॉट में या इस लॉट में 331 हाईएस्ट था और लोएस्ट स्कोर था क्या चीज? लोएस्ट स्कोर मान लीजिए इस खेप में था -31, कितना था? क्या ये स्कोर एक ही बच्चे का माना जाएगा? कितने का माना जाएगा? एक, लोएस्ट स्कोर मान लिया। तो आप ऐसा समझो कि जो लोवेस्ट परसेंटाइल होगी वो जीरो नहीं मानी जाएगी, वो जीरो नहीं मानी जाएगी। वो क्या मानी जाएगी? वो मानी जाएगी जो लोवेस्ट परसेंटाइल निकाली जाएगी, वो निकाली जाएगी 1/ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड इन दिस एग्जामिनेशन। सपोज इसमें बैठे 10,000, कितने? इस स्लॉट में बैठे 10,000, तो 1/10,000 जो भी नंबर आया 7 डिजिट तक, कहां तक? वो लोएस्ट है। हालांकि मैं लोएस्ट में ज्यादा इसलिए नहीं बात करने वाला कि उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या लोएस्ट -39 थोड़ी लाने वाले हो आप लोग? यस सर। जाओ इधर की तरफ जाया चिंतित हो, ये आखिरी तो नहीं रहे कम से कम।
ऐसा तो नहीं है, तो अपन ज्यादा उसमें बात में नहीं करना चाह रहा हूं, पर फिर भी समझ लें। मान लीजिए इसमें 10,000 बच्चा बैठा था, कितने बैठे थे? मान लीजिए इसमें 10,000 बच्चा बैठा था, मैं आपको जो उन्होंने दिया है उसको थोड़ा आसान शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए कि यहां पे इस वाले स्लॉट में बैठा था 11,000, कितना? इसका लोएस्ट स्कोर था -49, कितना था? तब भी इसका लोएस्ट जो परसेंटेज कैलकुलेट होगी वो होगी 1/11,000। हालांकि हम इससे कोई खास लेना देना नहीं है, 1/10,000 × 100 ऐसे ही है, 1/11,000 × 100 जो भी आएगी, तो ये लोएस्ट है हमें यहां से। अब बात आई सर बाकी सबकी कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल कैसे 100% मान लिया गया, जैसे क्या मान लिया गया, अब सजाया गया, मान लीजिए किसी के 280 नंबर है, कितने 280, तो 331 लिस्ट बनाई गई, 280 थे, सिंपली देखा गया कि फाइल में नीचे कितने बच्चे हैं, मान लीजिए किसमें 10,000 बच्चे थे, किसी के 280 जो नंबर थे उसके नीचे 8,532 बच्चे नीचे थे, तो क्या उसकी परसेंटाइल निकाल ली गई? निकाल ली गई और चिपका दी गई कि भैया ये आपकी परसेंटाइल है। अच्छा अब आप प्रैक्टिकली बात सोचिए, क्या 10,000 में से 280 नंबर वाले लाने वाला एक बच्चा होगा कि एक से ज्यादा हो सकता है? लॉजिकली हो सकता है, क्योंकि बच्चे तो लाखों में है, लाखों में है तो एक एक नंबर पे एक एक बच्चा की बहुत सारे। ओह भाई इसका स्कोर भी सेम, इसका स्कोर भी सेम, तो इनके परसेंटाइल स्कोर सेम होना चाहिए, परसेंटाइल स्कोर सेम होना चाहिए। हाँ परसेंटाइल स्कोर अगर सेम है तो मान लिया भाई है, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, इस बात में ही रोक दे, इसको बाद में समझाऊंगा कि क्या हुआ। अब बेसिकली इन दोनों बच्चों को 100% मान लिया गया, हो सकता है जिस बच्चे की ये परसेंटाइल आ रही हो 280 नंबर पर, क्या हो सकता है इस टेस्ट में वो परसेंटाइल 260 पे ही आ जाए? यस सर। क्या ये 260 और 280 वाला बराबर हो गए? यस सर। जैसे 322 और 331 वाले बराबर हो गए? यस सर। सर इसमें तो बहुत सारे बराबर हो गए, ऐसे तो हुए कि नहीं हुए? तो सारे टेस्ट की परसेंटाइल स्कोर, जिनकी परसेंटाइल स्कोर 60% सेम थी, उन सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया गया कि तुम सब बराबर हो, तुम सब बराबर हो। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? यस सर। क्या पहले बताओ क्या टेस्ट बराबर कर दिए गए अब? यस सर। किसके बेसिस पे? परसेंटाइल। चाहे आपने किसी भी शिफ्ट में दिया हो, चाहे आपने क्या सब परसेंटाइल के बेसिस पे एक लाइन में खड़े हो गए हैं? जिसकी परसेंटाइल 99.9993421 है, और जितने भी ऐसे बच्चे हैं उन सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया गया, बोला गया आप सब लोग बराबर हैं। हो सकता है इन बच्चों का स्कोर सेम हो या अलग अलग, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में क्या अलग अलग स्कोर पे परसेंटाइल सेम आ सकती है। सो आप सबका इक्वलाइजेशन करा गया परसेंटाइल बेसिस पे, किस बेसिस पे? यहां तक बात एकदम क्लियर? नहीं आया? आया। क्या बात एकदम क्लियर है यहां तक? सबको समझ आया है? कोई डाउट? गुड। अब बात आई कि सर एक ही परसेंटाइल पे, किस पे? एक ही परसेंटाइल पे हम सब लोगों को खड़ा कर दिया गया। अब हम में कौन ऊपर कौन नीचे कैसे तय करा जाएगा? जैसे मान लीजिए कि इन दोनों में से सर कौन टॉपर है, जब अगर मान लो इक्वलिटी लाई गई तो बताइए सर इन दोनों में कौन टॉपर है? इनमें से वो टॉपर होगा जिसकी परसेंटाइल मैथ्स की ज्यादा होगी। मैं आपको एक बात और बता दूं, क्या ये परसेंटाइल जो मैंने आपको निकालना सिखाया है टोटल नंबर पे सिखाया है? ऐसे अलग अलग मैथ्स की निकाली जाएगी, फिजिक्स की निकाली जाएगी, केमिस्ट्री की निकाली जाएगी, किसी निकाली जाएगी? मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आपकी ओवरऑल परसेंटाइल अलग हो सकती है मैथ्स की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की अलग। इन दोनों में से जिसकी परसेंटाइल किसकी ज्यादा होगी उसकी रैंक ज्यादा अच्छी आएगी। तो इक्वल खड़े होने पर क्या चीज? इक्वल खड़े होने पर कौन जिताएगा? अगर मैथ्स भी बराबर होगी तो ये फिर, और ये भी बराबर हो गई तो जो बूढ़ा है, तो जो जिसकी एज वो जीतेगा। नहीं आया? समझ नहीं आया? पहले तो क्या सबको एक स्कोर पे कैसे खड़ा करा गया बोलो क्लियर है? सबको एक मापदंड पे कैसे लाया गया बोलो क्लियर है? जब सबके परसेंटाइल स्कोर सेम हो गए, मान लीजिए 300 बच्चे थे जो एक ही परसेंटाइल पे थे, हो सकते हैं 300, 400, 500 कैलकुलेशन करके देखो है कि नहीं, हो सकता है 500, 700, 700। इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर जब आप लड़ाई लड़ रहे हो, मान लीजिए आप लड़ाई लड़ रहे हो 2000 रैंक 3000 रैंक, तो हो सकता है एक एक नंबर पर कितने कितने बच्चे हो, 100, 200, 200, तो आपकी रैंक किससे डिसाइड होगी? मैथ्स। किससे डिसाइड होगी? मैथ्स। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं आप मैथ्स ही पढ़ो सिर्फ, अब केमिस्ट्री किसी काम की नहीं है, क्योंकि उस बराबरी तक आने के लिए तो तीनों सब्जेक्ट बराबर ही है, बट थोड़ा सा चेंज मैथ्स लाएगी। तो मैथ्स पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी, ये भी बराबर हो गए तो टाई ब्रेक कहां पर है? जब दो के परसेंटाइल स्कोर
सेम हो गए. परसेंटाइल स्कोर का मतलब क्या नंबर सेम? परसेंटाइल का नंबर सेम? परसेंटाइल स्कोर का मतलब नंबर सेम? परसेंटाइल स्कोर अलग चीज है, नंबर किसी के नंबर कम हो के भी बराबर परसेंटाइल हो सकती है. ये डिपेंड करता है उस बैच में कितने बच्चे बैठे, क्या हाईएस्ट आया, कैसे हुआ, वो पेपर का टफनेस लेवल क्या था, बहुत सारी बातों पे अपन ने ध्यान दिया. खैर तो ये अपनी बात हो गई. तो अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इसकी बात यहाँ पे क्लैरिटी है, क्या कैसे रैंक लिस्ट बनेगी, बोलो क्लियर है? यस सर. अब बात है, एक एग्जामिनेशन आप देंगे जनवरी में और एक आप देंगे अप्रैल में. क्या आप दोनों देना जरूरी है या एक? ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोनों दें, ऐसी कोई, दोनों बार पैसे भी लगेंगे, क्योंकि दूसरी बार एग्जामिनेशन दोगे तो पैसे लगेंगे. एक ही बार दे सकते हो, दो बार भी दे सकते हो. अगर आपको पहली बार में लगे कि मैंने उतना अच्छा परफॉर्म तो दूसरी बार दीजिए. वैसे मेरी सलाह रहेगी कि दोनों बार दे, कि उससे नुकसान कुछ नहीं है. मान लीजिए पहली बार के परसेंटाइल स्कोर आपका आया 99.32761 और दूसरी बार का आया 98.763241, तो कौन माना जाए? हर बच्चे का हाईएस्ट परसेंटाइल स्कोर. फिर लिस्ट बनाई जाएगी. अच्छा, जिसने एक ही दिया उसका वही मान लिया जाएगा, जिसने उसका वही मान लिया जाएगा, जिसने दोनों दिए उनका दोनों का जो बेहतर होगा वो मान लिया जाएगा. और मानने के बाद एक कॉमन रैंक लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें परसेंटाइल सबसे पहले लिखी जाएगी. अगर परसेंटाइल कॉमन हुई तो मैथ्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर वो भी कॉमन हुई तो फिजिक्स को दी जाएगी, और फिजिक्स भी कॉमन हुई तो केमिस्ट्री को दी जाएगी, और वो भी कॉमन हुई तो एज को भी दी जाएगी. बोलो क्लियर है एकदम? क्या कुछ कुछ बात क्लियर है? प्रोसीजर इसलिए हमारे लिए समझना जरूरी है कि आने वाला एग्जामिनेशन कैसे खेला जाएगा. डरिए मत, कोई ऐसे भ्रम मत पालिए कि किस डेट को पेपर देना चाहिए, तुम्हारा टफ आया था, हमारा इजी आया था. ऑल दो इन प्रोसीजर्स में हमेशा थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी का चांसेस होते हैं. हो सकता है किसी स्लॉट में ज्यादा अच्छे बच्चे आ गए हैं. अगर आप वाले स्लॉट में थोड़े ज्यादा अच्छे बच्चे आ जाएंगे तो आपका फायदा होगा नुकसान? नुकसान, क्योंकि आपके परसेंटाइल स्कोर कम हो जाएंगे. बट ये भी सच्चाई है, स्टैटिस्टिक्स कहती है कि जहां पर इतने बड़े नंबर्स होते हैं वहां पे ऐसी पार्शियलिटी होने के चांसेस कम होते हैं. 10 लाख बच्चा दे रहा है, 24 स्लॉट हो रहे हैं, तो बहुत सारा बच्चा एक एक स्लॉट में बैठेगा और उनको रेंडमली पिक करा जा रहा है. ऐसा नहीं कि एक रीजन से ही सारे उठा लिए, तो हो सकता है कि वहां पे ऐसा होता हो. तो जैसे मान लीजिए कोटा के जितने ही बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो मुझे लगता है कि जो अपने जेई वाले हैं वो ध्यान रखेंगे कोटा के सभी बच्चों को लगभग बराबर में डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, क्योंकि आपको डेट तो दे नहीं रहे हो. डेट तो आपकी इच्छा से बननी है कि वो देंगे, है ना? वो इसीलिए करा गया है, आपकी इच्छा अनुरूप डेट नहीं भरवाई गई है, वो देंगे. भाई ये आपकी डेट है, ये आपका सेंटर है. क्या मेरी बात समझ आई है? अब कोई आपसे नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर पूछेगा, क्या आपको क्लैरिटी है? डरने की कोई आवश्यकता नहीं. थोड़ा सा किस सब्जेक्ट पे थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए? हालांकि सब में देना चाहिए, पर मैथ्स वो होगा जो थोड़ी सी लड़ाई हमें जिताएगा, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. और अगर अपने को कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे नीचे और पूछ सकते हैं कि अपने को इसके लिए और क्या क्या करना है. हालांकि जितना मैंने बोल दिया है, मैंने ये बात इसलिए आपके सामने रखी है ताकि अब आप इस बात पर फालतू अपना टाइम खराब ना करें. किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो. या तो मैंने बहुत अच्छा समझाया, ज्यादा अच्छा समझाया है क्या? मैच भी बढ़ा सकता हूँ इसमें, क्या कहते हैं? चलिए, हाँ तो कुछ पूछ रहे हैं. लेवल ऑफ, ये मुझे नहीं पता लेवल ऑफ टफनेस कितना वेरी करेगा, आई डोंट नो. ये पेपर बनाने वाले हैं, इसमें आप और हम कुछ भी जानते हैं, इसलिए इस पर कोई कमेंट नहीं. ऑल्दो दे विल ट्राई कि कुछ भी चीज आउट ऑफ सिलेबस ना, है ना? कंफ्यूज ना हो बिल्कुल. जब इतने सारे पेपर बनते हैं, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं कहता हूँ, 24 पेपर बनेंगे. एक पेपर जब जेई मेन देता है तभी कभी कभी गलतियां आ जाती है. 24 पेपर बनाएगा तो गलती होने के चांसेस होंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं. तो उसमें घबराए नहीं, हर पेपर के सॉल्यूशंस हम लोग आपके लिए निकाला करेंगे, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें. और नंबर आते जाएंगे, अपने को पता पड़ता जाएगा. मेरी राय सबको यही रहेगी कि अपन दोनों अटेम्प्ट करेंगे, पर अपन ये मान के चलेंगे जैसे ही अपन 180 से 200 पेपर नंबर पार कर जाएंगे तो अपन सेफर साइड चले जाएंगे. फिर अपन दूसरी बात सिर्फ इसलिए देंगे कि भाई देना चाहिए, बाकी कंपल्शन किसी बात का. इसलिए 20 जनवरी के बाद हम लोग मैंने आपको पहले ही बोला था, हम तीन तरह के बैचेस चालू करेंगे. तीन टाइप के, कितने के? तीन टाइप. बिलो 100, बिलो 180 एंड अबव 180.
बिलो 100 को थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी और टेस्ट भी कराए जाएंगे और डिस्कशन भी कराया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? जिनके बिलो 100 है, जो 100 से लेकर 180 के बीच में होंगे उनको दोबारा जेईई मेन की तैयारी कराई जाएगी और कंटिन्यूअसली जेईई मेन के फुल सिलेबस टेस्ट करा के डिस्कशन कराया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? जो अबाव 180 है उनको सिर्फ और सिर्फ किसी तरह की तैयारी कराई जाएगी एडवांस। तो फिर से सुने, 100 से नीचे वालों को जेईई मेन की तैयारी, सिर्फ किसकी? ओनली जेईई मेन की तैयारी कराई जाएगी। जो 100 से लेकर 180 के बीच के बच्चे हैं उनको जेईई मेन और एडवांस दोनों की तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि 100 से 180 वाले जेईई एडवांस के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। तो वो सारे बच्चों को कर वो आराम से वो निकाल लिए जाएंगे। हम ये मान के चलेंगे भाई जो 100 पार कर गया है वो जेईई मेन, वो जेईई मेन तो क्लियर कर ही गया, अब वो किसी तैयारी के लिए बैठ सकता है। तो हम उनको दोनों तैयारी कराएंगे, जेईई मेन और एडवांस। और जो 180 के ऊपर होंगे उनके लिए हम स्पेशल बैच बनाएंगे जो क्या होगा, सिर्फ एडवांस की तैयारी करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? Should I speak more onto it or this is fine? Fine. क्या एकदम क्लियर है? Yes, sir. Thank you.